देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, टू ए पीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस, दो ए पी है उनका कॉमन डिफरेंस सेम है। कॉमन डिफरेंस सेम होने का मतलब ये हुआ, एक ए पी का गैप अगर 2-2 के डिफरेंस पर बढ़ रहा है तो दूसरी ए पी भी जो है ना वो भी 2-2 के डिफरेंस पर बढ़ रही है, राइट। अब ये कहता है द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। अब हमने बात की दोनों ही ए पी की 100th टर्म की, दोनों ही ए पी की ना 100वें नंबर पर यानी 100th नंबर पर जो नंबर आते हैं ना उनके बीच का डिफरेंस गिवन है 100। और आपको कैलकुलेट करना है डिफरेंस बिटवीन 1000th टर्म्स, तो दोनों ए पी की ना 1000वीं टर्म के बीच का डिफरेंस आपको कैलकुलेट करना है। बहुत ईजी है क्वेश्चन। वैसे तो देखिए इन्होंने खुद कहा है कि उनका कॉमन डिफरेंस सेम है, यानी कि कॉमन डिफरेंस तो हर बार सेम होगा, तो आंसर हमें वैसे भी पता चल जाता है, लेकिन कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो देखते कैसे करें। तो अब दो एपी है ना, तो एक काम करते हैं, एक एपी और जो दूसरी एपी है दोनों एपी को हम अलग अलग अज्यूम कर लेते हैं। एक एपी मान लेते हैं ए से स्टार्ट होती है और दूसरी को मान लेते हैं कि वो बी से स्टार्ट होती है। आपके टीचर आपको हो सकता है कैपिटल ए स्मॉल ए करवाए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कुछ भी ले लीजिए। मैं ए को ए और दूसरे को बी से यानी फर्स्ट टर्म है ना बी मान के चल रही हूँ, तो आप बताइए इसकी सेकंड टर्म क्या होगी, ए प्लस डी होगी, राइट। और नेक्स्ट टर्म क्या होगी, ए प्लस टू डी होगी, और ऐसे चलती रहेगी। बीच में कहीं पर आएगी 100th टर्म, 100th टर्म का मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं बीच में आ जाएगा हमारे पास ए प्लस 99D, और चलते चलते कहीं और आगे जाकर 1000वीं टर्म भी आएगी यानी कि ए प्लस 999D, है ना। 1000 में से 1 माइनस करके हमें डिफरेंस लेना है जो कि आएगी 999D। ऐसे अब हम बी की कैलकुलेशन करते हैं यानी सेकेंड ए पी की कैलकुलेशन करते हैं। सेकेंड ए पी कैसे बनेगी, इन दोनों का डिफरेंस सेम है ना, तो इसका मतलब अगर ये बी से भी स्टार्ट होती है तो भी डिफरेंस तो यही रहेगा बी प्लस डी। नेक्स्ट टर्म कौन सी आएगी, नेक्स्ट टर्म आएगी बी प्लस 2D। करते करते हमारे पास कहीं जाकर 100th टर्म आएगी जो कि होगी बी प्लस 99D, और चलते चलते हमारे पास ये टर्म भी आ जाएगी यानी कि 1000वीं टर्म जिसको आप कहेंगे बी प्लस 999D, 999D, ठीक है। चलिए अब इन्होंने क्या टर्म हमें कंडीशन दी है कि जो डिफरेंस है ना इन दोनों के बीच का, ये दोनों कौन सी टर्म है, 100th टर्म है ना, इन दोनों का डिफरेंस गिवन है 100। आपको बताना है इनका डिफरेंस कितना होगा, कैलकुलेट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या क्या पता चला है हमें कि इनकी 100th जो टर्म्स है ना उनका डिफरेंस है 100, राइट। इसका मतलब है हमें ये पता चल गया ए प्लस 99D माइनस बी 100 का मतलब क्या हुआ, बी प्लस 99D, ये हो गया 100 की इक्वल। मैंने ब्रैकेट इसलिए लगाई क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन आ रहा था, फिर कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाती है ना, इसलिए माइनस। माइनस हटने से बी माइनस का और 99 भी माइनस का, ये बचा 100। तो देखिए 99D और माइनस ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे ना, एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आपके पास सिर्फ बचा ए माइनस बी की वैल्यू 100। इससे तो कुछ सिग्निफिकेंस हमें नहीं मिल रही है, कोई आंसर भी नहीं पर्टिकुलर पता चल रहा है, कोई बात नहीं। अब हम आते हैं हमारी क्वेश्चन पर। इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि आपको बताना है कि इन दोनों की ना 1000वीं टर्म के बीच का डिफरेंस कितना होगा। 1000वीं टर्म यानी कि हमें तो कैलकुलेट करना क्या है, ए 1000 माइनस बी 1000 कि ये कितना आएगा, ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। इस कैलकुलेशन पर आते हैं, ए 1000 का मतलब हुआ ए 99 999, है ना, या सीधा कर लेते हैं ए प्लस 999D माइनस, इसको भी ब्रैकेट में रख लेते क्योंकि माइनस का साइन आया है, यहाँ पर क्या होगा बी प्लस 999D, ये हमें पता ही नहीं है कितना है, कैलकुलेट करना है, या हो गया ए प्लस 999D माइनस, माइनस का साइन होने से ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज हो गया, पता नहीं। चलो ये दोनों कट गए, यहाँ क्या बचा ए माइनस बी, ए माइनस बी है कितना, ये तो हमें पता है 100 है,
तो ये जो क्वेश्चन मार्क था, हमें आंसर मिल गया. क्या आंसर मिल गया? कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 100 है. तो यही हमारा आंसर है. हेंस डिफरेंस विल बी, या कॉमन डिफरेंस विल बी 100. और आंसर आपको पूरा मेंशन करना है, ठीक है. ये क्वेश्चन 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के उसमें आते हैं, डिपेंड करता है कि किस टाइप का क्वेश्चन पेपर हमारा बना है.